नमस्कार दोस्तों, अब जब भी जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचते हो तो रेलवे जॉब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रेलवे जॉब जब भी आता है तो उसके साथ मुद्दा ही मुद्दा हमेशा होता है, चाहे कोई भी जॉब हो। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे रेलवे की टॉप क्लास जो होती है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जो इंजीनियरिंग सर्विस और सिविल सर्विसेज से होती थी, उसको हटा लिया गया था। ठीक है, अभी ग्रुप डी की वैकेंसी सबसे लोअर जॉब होती है। ग्रुप डी की भी एडमिट कार्ड की इशू चल रही है, क्या इशू चल रही है, अभी तक 2019 में फॉर्म फिल किया गया, उसको दोबारा अभी तक लाया नहीं गया। ठीक है, उसके बाद IRMS भी 2019 से आपके सिविल सर्विसेज और आपके क्या कहते हैं आपकी इंजीनियरिंग सर्विस से निकाल लिया गया था, तो वो दोनों मुद्दा अभी बाकी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं NTPC। 2019 जनवरी में फॉर्म फिल किया गया था। उसके बाद 2019 के बाद जनवरी में फॉर्म फिल करने के बाद उनका मुद्दा क्या हुआ कि जनवरी में फॉर्म फिल हुआ, चलता रहा, फिर 2020 में उन्होंने रिलीज सडनली करते हैं, प्रोटेक्ट होता है कि लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, उसके बोलते हैं कि दिसंबर से पेपर होगा, उसके बाद दिसंबर से पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद कंडक्ट कराने के बाद 6-7 महीना पेपर चलता है इनका। कौन सा ऐसा एग्जाम होता है कि 6-6, 7-7 महीने पेपर चलते हैं यार। फिर उसके बाद चला, पेपर खत्म हुआ, फिर अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, कब CBT 2 होगा, कब रिजल्ट फाइनल आएगा, कुछ नहीं पता है NTPC का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर, 2015 में आया था, 2015 के बाद भी अभी तक इनका कुछ नहीं पता, क्योंकि सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी एक इंपॉर्टेंट इंजीनियर हो जाता है रेलवेज के लिए, जैसे IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में इंजीनियर का इंपॉर्टेंस होता है, ऐसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का होता है। फिर RRBJ 2019 में हुआ, अभी उसका भी कुछ नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेट अभी हैं, बट अभी रेलवे इस पर एकदम नहीं फोकस करती है। आगे बात करना चाहूँगा ग्रुप डी की। ग्रुप डी वाले सबसे साथ धोखा कर रहे हैं, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट जो हैं 2019 के बाद अभी तक कुछ भी उनका पता नहीं चल है कि क्या होगा, कुछ नहीं पता, एडमिट कार्ड कब रिलीज करेंगे, तो कुछ भी नहीं। तो एक ट्रेंड है ट्विटर पे 11 बजे आपके एम में, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट, जस्टिस फॉर रेलवे। अब जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट का मतलब सारे रेलवे स्टूडेंट आ जाएंगे, चाहे आप इंजीनियर स्टूडेंट की बात कर लीजिए, चाहे टेक्निकल स्टूडेंट, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, सारे इंजीनियर सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। तो आपको ट्वीट भी करना है, क्योंकि यार जरूरी भी है, वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है, IRMS भी आ सकती है, ग्रुप डी की एडमिट कार्ड आ सकती है, NTPC की रिजल्ट आ सकती है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसीज भी आ सकता है, नोटिफिकेशन भी आउट हो सकता है। तो रेलवे के साथ हमें ऐसा मुद्दा ही मुद्दा रहता है, जब भी जॉब देना चाहती है तो आप उससे जॉब लेने के लिए फाइट करना पड़ता है। आप देखिए, एग्जाम क्रैक करने की बात छोड़ दीजिए, पहले फाइट करो, फिर एग्जाम क्रैक करो, फिर उसमें बहुत सारे मेडिकल प्रोसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रेलवे को इसको इंप्रूवमेंट करना चाहिए, अदरवाइज स्टूडेंट पूरे लाइफ खराब हो जाती है। 3-3, 4-4 साल कोई रेलवे की जॉब की प्रिपरेशन करता है तो लाइफ पूरी एंड हो जाती है गाइज। ओके, तो ये थी आज की मुद्दा। तो 11 AM में बहुत बड़ा ट्रेंड है, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट। ओके गाइस, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।